शनिवार को चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। अब सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और आखिरी चरण 1 जून को होगा। फिर 4 जून को काउंटिंग के बाद नतीजे आ जाएंगे। पर हम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी सीटों की चर्चा करेंगे, जिस पर हमेशा से सियासत की नजर रहती है और इन सीटों पर राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गज मौजूदा सांसद हैं। ये वो सीटें हैं जिस पर अधिकांश लोगों की नजरें हमेशा से बनी रही है, जैसे कि यूपी की वाराणसी, अमेठी, लखनऊ, मथुरा, आजमगढ़, रायबरेली, मैनपुरी, रामपुर, बदायूं और गोरखपुर सीट। अब इन सीटों पर कब और किस चरण में मतदान होगा ये जान लीजिए। वाराणसी गोरखपुर में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी, वहीं मथुरा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, मैनपुरी बदायूं में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान, रामपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग, वहीं आजमगढ़ में 6ठे चरण में 25 मई को वोटिंग। बता दें कि वाराणसी से अभी पीएम मोदी मौजूदा सांसद है, वहीं गोरखपुर से रवि किशन, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मैनपुरी में सपा से डिंपल यादव मौजूदा सांसद है, वहीं बदायूं सीट से इस बार चाचा शिवपाल मैदान में है। कुल मिलाकर इन सभी सीटों पर बड़े बड़े चेहरे शुमार है। ऐसे में जब यूपी की सियासत की बात आती है तो इन सीटों पर अपने आप लोगों की नजरें टिक जाती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।